महाराष्ट्र में वर्षा की कमी रबी की बुआई और प्रयास को प्रभावित कर रही है। उपभोक्ताओं के लिए संवेदनशील रहने वाली इस चीज पर सबसे ज्यादा असर पड़ने के आसार है। कम बुआई, कम पैदावार और रबी की बुआई में गिरावट की वजह से देश में प्याज की कुल फसल 10-15% कम रहने का अनुमान है। इसका सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र पर पड़ेगा। सूत्रों को डर है कि जनवरी में जब रबी की आवक का समय आता है तो प्याज के दाम बढ़ने के आसार रहेंगे। कुछ एक कृषि के अलावा अब तक दाम नरम है, लेकिन ऐसा अव्यवहारिक निर्यात की वजह से हुआ है। इस वर्ष 2018-2019 के दौरान उत्पादन गिरकर 2 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जिससे लगातार दूसरे वर्ष उत्पादन कम रहेगा। देश में उत्पादित प्याज का एक तिहाई हिस्सा महाराष्ट्र करता है और शुष्क मौसम के कारण 2018-2019 के दौरान प्याज की फसल करीब 30% कम रहेगी, क्योंकि रबी का सीजन पर ज्यादा असर पड़ा है। यह फसल जनवरी में बाजार में आएंगी। महाराष्ट्र के प्रमुख लासलगांव और आसपास के इलाके में खरीफ की फसल आना शुरू हो चुकी है। हालांकि एक पखवाड़े पहले नजर आई तेजी नरम हो चुकी है, लेकिन गुरुवार को लासलगांव में फिर से तेजी नजर आई। बंद भाव 19 रुपए प्रति किलो, जबकि बुधवार को दाम 11 रुपए प्रति किलो थे। एक स्थानीय व्यापारी ने कहा कि उन्हें डर है कि इस सीजन में पैदावार कम रहेंगी और रबी की बुआई उत्साहजनक नहीं रहेंगी। PM News 24 की रिपोर्ट।